अगला रूट वर्ड है हमारे पास जेन। जेन शब्द का मतलब होता है बर्थ। फटाफट शब्द आप मुझे बताओगे कौन से शब्द ध्यान में आ रहे हैं आपके। होमो जीनियस मिक्सचर, बचपन से पढ़ रहे हो ये सब। ये दोनों शब्द आप बचपन से पढ़ रहे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि जब आप रूट वर्ड से वोकैबुलरी करते हैं तो वन वर्ड स्पेलिंग एरर्स, क्योंकि अब आपको पता होता है कि एक शब्द में क्या क्या टुकड़े हैं, ये सारे में फायदा होता है। और सिनोनिम एंटोनिम तो खैर है ही है। व्हाट इज द जेनेसिस पॉइंट? जेनेसिस जेनेटिक्स। फिर एक शब्द आता है हमारे पास कॉनजेनिटल, कॉनजेनिटल डिजीज। फिर शब्द आता है प्रोजेनी। और कौन सा शब्द है? बिल्कुल, जीन तो खैर है ही है। यहीं से हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, जेनिटल्स, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अगली जनरेशन की पैदाइश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और कौन सा वर्ड आ रहा है दिमाग में? भाई जनरेट करना। जनरेट, अब जनरेट क्या है? दैट इज वर्ब। यहीं से जनरेशन, जब आपने आर ए टी आई ओ एन कर लिया तो ये क्या बन गया? नाउन, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहीं से आपने कर लिया जनरेटर, तो जो जनरेट कर रहा है, पैदा करने वाला, ये भी नाउन हो गया, कॉमन नाउन। जनरेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जनरेट। और शब्द जो कैंसर पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कार्सिनोजेन। एक शब्द आता है एंजेंडर, एंजेंडर, और इसको पेपर में कंफ्यूज कराया जाता है किससे? एंडेंजर से। बहुत अच्छे शुभम, डीजनरेट करना। अब देखो जनरेशन से रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेट करना एंड डीजनरेशन। डीजनरेट। और कौन सा शब्द है? पैथोजेन, पाइरोजेन, वेरी गुड। देखो इससे फायदा यही है कि आपका दिमाग खुद चलने लगता है। पैथोजेन्स, शुभम पाइरोजेन का क्या मतलब है? बिल्कुल, जनरल शब्द भी जेन से आ गया, जनरल।
कुछ और अच्छे शब्द, इसमें तो बहुत सारे शब्दों का मतलब जानते हैं आप, ये सब थोड़े अच्छे शब्द हैं। जैसे वर्ड आ गया जेनोक्लाइन, जेनोक्लाइन वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, जेनोटाइप, जेनोक्लाइन, जेनोटाइप, जीनियोलॉजी, जीई एन ई ए एल ओ जी वाई, जीनियोलॉजी, जॉनरे, विशाल बहुत देर से लिख रहे हैं जॉनर, हाँ जी ई एन आर ई, बहुत सारे लोग इसको जेनर बोलते हैं ना, किस जॉनर का, किस जेनर का म्यूजिक है, किस जॉनर की फिल्म, तो द प्रोनाउंसिएशन इज अ जॉनरे, दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, जॉनरे, किस जॉनर की फिल्म है, किस जॉनर का म्यूजिक है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, जैज, पॉप, रॉक, जो भी है। इवन जेंडर शब्द भी यहीं से तो निकला है, कौन सा जेंडर, नोट कर लो फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अमरजीत जेंट्स बता रहे हैं, बिल्कुल तो जेनोक्लाइन शब्द, बाकी शब्दों का तो मतलब निकाल लोगे, बाकी भी खैर डिस्कस करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि डिस्कस नहीं करना। अभी इसमें आप देखो तो इंडिजेनस भी है, राइट, पायरो फायर है, बिल्कुल, डी जनरेशन और डीग्रेडेशन में क्या फर्क है, श्रुति पूछ रही, भाई स्टेप अपने रूट वर्ड लगा लो श्रुति, अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा, डी जनरेट होना और डीग्रेड होना, ग्रेड इज द स्टेप, भाई डिग्रेडेड स्टेप की बात हो रही है, यहां पे जीन्स के लेवल पे बात है, राइट, इंटरनल सिस्टम में है, तो डी जनरेशन हो रही है, धीरे धीरे क्षरण होती चली जा रही है, तो ग्रेड इज मोर ऑफ अ स्टेप, डिग्रेडेशन। अब शरीर में क्या होगी, शरीर के अंदर डिग्रेडेशन होगी या डीजेनरेशन होगी, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आप मुझे खुद बताओ, खुद आपको यूसेज वोकैबुलरी के समझ में आएंगे, तो वहां पे डिग्रेडेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर या डीजेनरेशन होती है, चलो खैर आपके सवाल में मैं फिर उलझ जाऊंगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं मैं बता दूं आपको, जेनोक्लाइन ये लिख लो आप, रीजनरेशन, री का मतलब अगेन हो गया, डी नेगेटिव हो गया, री फिर से हो गया, जेनोक्लाइन शब्द का क्या मतलब है, बहुत सारे क्षेत्रों में खासतौर से पंजाब में इस तरह की दिक्कतें आई हैं, वहां पे जब उसके ऊपर आर्टिकल बेस्ड होता है तो ये शब्द हमें मिलता है, लिख लो मतलब अ चेंज ऑफ अ कैरेक्टर, अ चेंज ऑफ अ कैरेक्टर across a geographical area, as a result of gene flow, सारा मामला genes का ही तो है, a character across a change of a character across geographical area as a result of gene flow. राधिका जेनस शब्द है, जी एन यू एस, जीनियस इसी के साथ आएगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसे, हाँ जी क्या मतलब है इसका, जेनोक्लाइन जैसे पंजाब के अंदर, पंजाब और हरियाणा को हमने ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री कहा जाता है, और ज्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ, और उसकी वजह से मिट्टी जो है भटिंडा रीजन के बार बार अखबारों में पढ़ने में भी आता है, उस एरिया में कैंसर लोगों को बहुत होने लग गया, कार्सिनोजन हमने लिखा है जो कैंसर को बढ़ावा दे, तो उसकी वजह से वहां पे जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो गई, पानी प्रदूषित हो गया, और एक कैंसर एक्सप्रेस नाम ही पड़ गया उसका, राइट, कैंसर एक्सप्रेस जो कि पंजाब से राजस्थान का कोई सरकारी अस्पताल है और वो ट्रेन जाती है वहां पे, तो अब
वहां पे क्या है कि पूरा का पूरा जेनेटिक चेंजेस आ चुके हैं, लोग उस पर्टिकुलर इलाके में फिर शादी करने से बच रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पे वहां पे जेनेटिक लेवल पे चेंज आ जाएगा। बच्चे जो हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, माओं के जो दूध हैं इवन द ब्रेस्ट फीडिंग जिसे बेहतर माना जाता है एक नवजात बच्चे के लिए, वो डेंजरस हो चुका है। माओं का दूध जहरीला हो चुका क्योंकि भाई जो खाओगे पियोगे वही तो शरीर में जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आई है। तो उसी को कहा जाता है जेनोक्लाइन, जेनोक्लाइन जेनेटिक्स में पूरा का पूरा जो है चेंज आ जाना। ठीक है, थैंक यू राज। और कौन सा शब्द है जिसका मतलब आपको नहीं पता है भाई? कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब ना पता हो? इसमें ज्यादातर शब्द जानने वाले ही हैं। सबसे पहले हमने ये लिखा था होमो का मतलब क्या है, सेम, और हेटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, बस वहीं से निकल गया वर्ड भाई। होमोजीनियस है मतलब एक ही तरह का है, सेम काइंड का है, तो बिलोंगिंग टू सेम काइंड एंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट काइंड, हेटरोजीनियस, हेटरो अलग अलग, होमो सेम। और कौन सा वर्ड है, जेनेसिस, जेनेसिस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द जेनेसिस पॉइंट? ओरिजिन, ओरिजिन और बर्थ ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड द जेनेसिस पॉइंट। जैसे कहा जाता है कि भाई व्हाट इज द जेनेसिस पॉइंट ऑफ मॉडर्न डे टेररिज्म, तो यानी कहां से उसका जन्म हुआ, उसका प्रादुर्भाव स्थल क्या था। कॉन जेनिटल, रूट वर्ड देख लो, कॉन का मतलब क्या है भाई, टुगेदर है, और जेन का मतलब बर्थ है। अच्छा, बड़े सारे लोग अभी एडमिशंस में वोकैब के एडमिशन के लिए कह रहे हैं, फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर रहे हैं, सर क्यों बंद हो गया, तो बंद हो चुका है। आप बैच इतने दिनों तक एडमिशन ऑन थे, अभी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अब एडमिशन आपको नेक्स्ट बैच में ही मिलेगा, जो भी आपके जानने वाले हों अगर इंतजार है तो। राइट, कॉन्जेनिटल टुगेदर बर्थ, और तो इसका क्या मतलब है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जन्मजात। बच्चा अगर किसी कॉन्जेनिटल डिजीज से ग्रस्त है तो कॉन का मतलब बर्थ, कॉन का मतलब टुगेदर और जेन का मतलब बर्थ, यानी वो बीमारी उसे जन्म के साथ ही लग गई। ठीक है, और कौन सा शब्द? अभी डाउनलोड करें कैरियरविल ऐप। जेनोटाइप वर्ड लिखा है हमने, इसका क्या मतलब है, लिख लो इसका मतलब, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वंस एंसेस्टर्स, जो आपके पूर्वज हैं उनसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोटाइप। जॉनरे शब्द का क्या मतलब है, बता तो दिया मैंने, अ पर्टिकुलर काइंड इन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, राइट, एक पर्टिकुलर काइंड के लिए इस्तेमाल होता है कि किस जॉनर की फिल्म है। प्रोजेनी शब्द, प्रोजेन जो पैदा हुआ है, अगली जो जनरेशन है, जो बच्चा है उसे ही कहा जाता है। तो ऑफस्प्रिंग शब्द भी इस्तेमाल होता है ना पैदाइश के लिए, बच्चे के लिए, तो ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्सन, ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्सन, इसका इस्तेमाल सिर्फ पर्सन तक ही, ऐसा नहीं है कि सीमित है। अगर हम बात करें प्रोजेनी शब्द की तो यहां पे पर्सन, एनिमल, प्लांट सबके लिए आ जाता है। तो प्रोजेनी का मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन है। और कोई शब्द जिसका मतलब ना पता हो? जीनियोलॉजी इज द स्टडी, लॉजी जहां पे भी आएगा स्टडी है, स्टडी ऑफ फैमिलीज, जीनियोलॉजी।
अच्छा इन जेंडर रह गया, अभी डाउनलोड इन जेंडर का मतलब क्या होता है? बी द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ समथिंग, देखो खुद पता लग जाएगा, ई एन एन अंदर जेन पैदा करना, तो यानी जब कोई चीज किसी और चीज के पैदाइश का कारण हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? एंजेंडर, यानी टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज के होने का कारण, वर्ब है ये शब्द एंजेंडर। और एंडेंजर क्या है भाई? जैसे आप क्या सुनते हो, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऊपर लिख देता हूं, एंडेंजर्ड स्पीसीज सुनते हो, मैंने वही कहा कि इस पेपर इस वर्ड के साथ इसे कंफ्यूज कराते हैं, तो एन का मतलब अंदर, डेंजर का मतलब खतरा, तो अगर कहीं पे एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो रही है तो बात उनकी हो रही है जो इस समय खतरे में, एंडेंजर खतरा पैदा करना, और एंजेंडर का मतलब कुछ पैदा करना, जेन आ गया बस कि भाई जैसे मान लो दिस कॉन्ट्रोवर्सी एंजेंडर्ड अ न्यू डिबेट इन दिस कंट्री, तो कोई कंट्रोवर्सी हो गई और उस कंट्रोवर्सी की वजह से एक नए तरह की बहस पूरे देश में छिड़ गई, तो उस कंट्रोवर्सी ने उस बहस को पैदा किया है, उस बहस के शुरू होने का कारण क्या है, वो कंट्रोवर्सी, तो एंजेंडर्ड शब्द वहां पे इस्तेमाल होगा। जेनिटल्स का यूज जेनरस के सेंस में होता है? अरे नहीं भाई, जेनिटल्स हमारे सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स को जेनिटल्स कहा जाता है, उसका मतलब जेनरस से नहीं है। बिकॉज स्टडी ऑफ फैमिली से क्या मतलब है भाई, जैसे जीन्स की भी फैमिलीज होती है ना, आप देखो जैसे हमारे जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए जीन्स ही तो जिम्मेदार है, जिस जियोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं। अब आप देखें तो जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो आपके उत्तराखंड का मामला है या हिमाचल का है, वो एक जैसे दिखाई देंगे आपको, वहीं पर मैदानी इलाकों के लोग अलग दिखाई देंगे, राज्यों का फर्क आपको दिखाई देगा। तो जो हमारी फिजियोलॉजी है, जिस फैमिली से आते हैं, फैमिली इन द सेंस कि सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है कि जिस घर में हम पैदा हुए हैं, घर वाला वो उस वाले फैमिली की बात नहीं हो रही, जीन्स के फैमिली की बात हो रही है कि किस तरह के भाई यूरोपियन जीन्स, फिर इंडियन और इस तरीके से अलग अलग, उस सेंस में फैमिली के अध्ययन को हम कहते हैं। एंजेंडर, ओके राज, आप जयपुर से हैं, बहुत अच्छी बात। और कौन सा शब्द है? प्रोजेनी पता लग गया, कार्सिनोजेन तो सबको पता है ना, कार्सिनोजेन क्या है? जो कैंसर पैदा करे, कार्सिनोजेंस। देखो हमारे बेचारे फिर से जो ऋषि कपूर साहब है, फिर से उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है, फिर हॉस्पिटलाइज हो गए, वो कैंसर से ग्रस्त थे। तो कार्सिनोजेंस कौन सी चीजें हैं? एनी सब्सटेंस Which causes cancer, जो भी कैंसर को जन्म दे, कर्क, हाँ कर्क रोग होता है, वो फिल्म देखने जाते हो ना, सिगरेट पीने से, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, कार्सिनोजेन, तो जो कैंसर को पैदाइश दे वो कार्सिनोजेन है। पैथोजेंस किसे कहते हैं? पैथोजेंस कौन से भाई? पैथोजेंस किसे कहा जाएगा? कभी सुना है आपने? क्या सुनते हो? होम्योपैथी, एलोपैथी, पैथोजेंस, अब कनेक्ट करने की कोशिश करो आप। तो पैथोजेंस वही हैं जो बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार हों, बीमारियों को पैदा करें। तो कोई भी, मतलब ये जनरल सा शब्द हो गया, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें वायरस हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, एक जनरल सेंस में हम कह लेते हैं उन सभी के लिए जो बीमारियां पैदा करें, दैट कॉजेज डिजीज, कोई भी चीज जो बीमारी को बढ़ावा दे उसे पैथोजेंस कहा जाता है। रीजनरेशन, फिर से पैदा करना, जनरेट, जनरेशन, जेनिटल्स, अंग हो गए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई शब्द हमारे पास बचा है जिसका मतलब आपको ना पता हो, तो एवरी वर्ड्स आर वेरी इजी नाउ।
बिल्कुल उसी को कहेंगे हम। जब पाइरोजेन रह गया, जेनोटाइप तो बता दिया मैंने भाई, जेनोटाइप का मतलब कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से, जो आपकी जेनेटिक लाइन है वहां से जो आप ले रहे हैं। एक शब्द और था, आप याद दिलाओगे मुझे, मैं आपको हिंट देता हूं, ईयू रूट वर्ड से कराया था एक वर्ड, जेन वहां पर आया था, कौन सा वर्ड है बताओ। तब तक मैं आपको कौन सा एक शब्द रह गया आप बता रहे हैं अभी, हाँ पाइरोजेन रह गया है, आओ इसको समझ लेते हैं। देखो पाइरो शब्द का अगर हम लिटरल मतलब देखें तो ये क्या है, इसका मतलब होता है फायर, आग, आग मतलब होता है आग लगाने का पागलपन भी होता है, और उसके लिए शब्द आता है हमारे पास पाइरोमैनिया, आग लगाने का पागलपन। तो ये तो लिटरल हो गया कि जिन लोगों को कहीं आग लगा दो और धुधू करके जल रहा और उनको मजा आ रहा है, क्या बात है भाई, लगा दी आग, कर दिया भस्म, बर्बाद कर दिया दूसरे को, तो ऐसे पागलों को पाइरोमैनियक्स कहा जाता है। लेकिन ये पाइरोजन जो शब्द है ये आपका वर्ड अगेन मेडिकल फील्ड से आता है, तो पाइरोजन हम उन सब्सटेंस को बोल सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बुखार लाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब फीवर आता है तो शरीर तपता है, शरीर में गर्मी होती है, गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है शरीर का, इसी लोग कई बार फीवर को टेम्परेचर हो गया है ये बोलते हैं, तो वो क्या है, दैट इज द पाइरोजन। तो याद रखना ये ऐसा नहीं कि लिटरली कहीं आग लगाने की बात है, मेडिकल की फील्ड का शब्द है हमारे पास पाइरोजेन, यानी वो सब्सटेंस जो शरीर के अंदर तापमान बढ़ाए, फीवर को कॉज करने वाले, फीवर को बुखार लाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पाइरोजेन। बहुत अच्छे, चलो याद आ गया, शुभम, अरुण कुमार सभी ने बताया, राघव इधर, रूपेश, सोमवीर, राधिका सभी को याद है, यूजेनिक्स, वेरी गुड। तो यूजेनिक्स हमने क्या किया था उस समय, यूजेन भी किया था, जो अच्छे परिवार में पैदा हुआ हो उसे यूजेन कहते हैं, जेन वहां पे भी आया था, और यूजेनिक्स का क्या मतलब था, वो अध्ययन या वो प्रोविजंस, वो प्रावधान जो कोई भी सरकार अपने लोगों को बेहतर, यू का मतलब गुड, अपने लोगों को अच्छा बनाने के लिए लेती है, उन सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। नमस्ते कुमार, नमस्ते, आप जयपुर कब आ रहे हो राज? अच्छा जी, आया था मैं जयपुर पीछे लास्ट अक्टूबर में आया था, फिर आऊंगा। अब तो कोई शब्द नहीं बचा, गुड बर्थ, बिल्कुल